हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री। अगर आप सब लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को भी हिट कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आप सब लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी कर लीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डू चेक आउट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। तो डार्क सर्कल्स होते क्या है? डार्क सर्कल्स मोस्टली हमारे आईज के नीचे का राउंड हो जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के काले घेरे जैसा, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डार्क सर्कल्स होने की वजह से हमारे जो पूरा एंटायर फेस है वो पूरा का पूरा डल दिखने लगता है। यस गाइस, हमारे डार्क अगर आपके आपके नीचे अगर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं तो आपका पूरा फेस बहुत ही टायरी लगता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप बिल्कुल पांडा के जैसा दिख सकते हो। गाइस, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कैसे आप डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हो, किन गलतियों की वजह से आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये है कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। हमारी आंखों को चाहिए होता है 6 to 7 hours का स्लीप, क्योंकि हम दिन भर काम करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी आंख जो है वो थक जाती है और उसको चाहिए प्रॉपर स्लीप, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। और उसके वजह से, और ये है हमारी पहली गलती जिसकी वजह से हमारे आंखों के अराउंड डार्क सर्कल्स आते हैं। तो नेक्स्ट अगर रीज़न इज हम पानी नहीं पीते हैं प्रॉपरली। हमको एक दिन में 7 to 8 glass पानी पीना है या फिर 2 liter या फिर 1 to 2 liter पानी पीना है, बट हम नहीं पीते हैं। पानी ना पीने से हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं और हमारा फेस भी बहुत डल और बहुत अगली दिखने लगता है, और फेस का जो ग्लो है वो भी चला जाता है, और हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने के भी बहुत चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि आप एक दिन में 7 to 8 glass ऑफ वाटर कंज्यूम। थर्ड रीज़न इज हम देर रात तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे आंखों के अराउंड डार्क सर्कल्स आने के चांसेस है, क्योंकि हम दिन भर काम करते रहते हैं और उसके कारण हमारे आंख जो है बहुत टायर हो जाता है, मतलब बहुत थक जाती है हमारी आंखें, और हमारी हमें प्रॉपर स्लीप का ज़रूरत होता है। बट हम क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ कर कर के रात के 2-3 बज जाता है, तो उसको अवॉइड कैसे करें? दिन भर काम करते हो तो थक जाते हो, तो जैसे ही आप डिनर करते हो वैसे ही आपको मोबाइल एक साथ तरफ करके सो जाना है, क्योंकि अगर आप देर रात तक मोबाइल यूज़ करोगे तो आपके डार्क सर्कल्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो फोर्थ रीज़न इज हम जब भी मेकअप करते हैं उसको रिमूव नहीं करते हैं। कुछ लड़कियों का वही गलती रहता है कि वो लोग जब भी मेकअप करते हैं और मेकअप बिना रिमूव किए ही वैसे ही सो जाते हैं। नहीं तो हम अगर कहीं भी बाहर से आते हैं अपने फेस को वॉश भी नहीं करते हैं और वैसे ही सो जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदा आदत है और इसको आपको अवॉइड करना है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप मेकअप करें या फिर जब भी आप कहीं बाहर से आए तो आप अपने फेस को मेकअप रिमूवर से मेकअप को रिमूव करके और फेस वॉश करके और प्रॉपर अपना जो भी आपका स्किन केयर रूटीन होगा उसको फॉलो कर कीजिए, और उसके बाद ही आप सोने के लिए जाइए। और गाइस, और एक गलती जो हम करते हैं, जो हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं। सो आप जब भी बाहर जाते हो मस्ट आप सनस्क्रीन लगा के ही घर से निकलो, क्योंकि जो सूरज जो है वो दिखने में तो बहुत अच्छा है बट उसके जो यूवीए और यूवीबी जो रेज है वो आपके आँखों के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही मतलब बहुत ख़राब है। सो मेक श्योर कि आप जब भी घर से निकलो तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करो और सनग्लासेस जो है उसको भी वेयर कीजिए, क्योंकि सनग्लासेस वेयर करने से आपके आँखों के ऊपर जो सूरज की रोशनी होती है वो नहीं पड़ती है, और उससे क्या होता है आप अपने आँखों को भी सुरक्षा दे सकते हो। सो ये थी गाइस कुछ गलतियाँ जो कि हमें अवॉइड करनी है और हमें इस गलतियों को सुधारना है। सो इस गलतियों को सुधारने से ही आप अपने डार्क सर्कल्स जो है उसको रिमूव कर सकते हो, गलतियाँ जो हम सब करते हैं। सो मेक श्योर आप इस बातों का ध्यान रखें
और जब भी घर से निकले सनस्क्रीन यूज कीजिए और सनग्लासेस वेयर कीजिए और दिन में एक से दो लीटर तक पानी पिए और रात रात भर ना जगे और जल्दी सो जाइए। और द मोस्ट रीजन इज स्ट्रेस और डिप्रेस जो हम रहते हैं, सो आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री और रखें, क्योंकि आप ये सब रूल्स को फॉलो कर भी लोगे और अगर आपके माइंड में स्ट्रेस रहेगा तो आप कभी भी अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखें। तो गाइस अभी हम चलते हैं होम रेमेडीज के ऊपर, जिसको आप यूज करके आपके आंखों के अराउंड के जो डार्क सर्कल्स है उसको रिमूव कर सकते हो। तो फर्स्ट रेमेडी इज क्यूकम्बर का जूस। सो यहाँ मैंने क्यूकम्बर का कद्दूकस करके उसका जूस जो है वो निकाल लिया है एक बोल में। और उसके बाद हम लेंगे कॉटन या फिर कॉटन पैड। एक सेकेंड गाइस, सो गाइस ये है कॉटन, इसको मैं इसके अंदर डिप करूंगी। और अपने जहां भी मुझे डार्क सर्कल्स है वहां मैं इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अप्लाई कर लूंगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप कॉटन पैड को जो है लेकर अपने आंखों के अराउंड ऐसे रख सकते हो 10 to 15 minutes और उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हो। सो गाइस ये रेमेडी शेयर करने से पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको इसका रिजल्ट पाना है तो आपको इसको 1 week तक या फिर 2 week तक यूज करना है, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे से आएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी इज ये ग्रेटेड पटाटो का, जो ग्रेटेड पटाटो है ये थोड़ा इसका कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसको आप एक पटाटो लीजिए और उसको ग्रेट कर लीजिए और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसको लेके ऐसे अपने आँख के ऊपर ऐसे ही। मैं बहुत फनी लग रही होंगी इस वक्त, बट सो इसको आपको 20 मिनट्स तक ऐसे रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको अपना फेस जो है वो उसको वॉश कर लेना है। और मैंने जो है अपना फेस को वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से। तो नेक्स्ट रेमेडी इज स्पून। इसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रिज में रख दी थी और अभी आपको इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर ऐसे रखना है। इससे क्या होता है ना, आपके जो पफिनेस है ना वो दूर हो जाता है और डार्क सर्कल्स के भी रिमूव होने के बहुत चांसेस है। तो आप जब भी फ्री हो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट रेमेडीज, अगर आपको ये आलू का जो कद्दूकस वाला जो है वो रेमेडी अगर नहीं करनी है, अगर वो थोड़ा आपके लिए मेसी हो जाता है, सो आपको आलू को ऐसे स्लाइस कर लेना है और उसको अपने आंखों के आराम और ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे आंखों के अराउंड जो पफिनेस थोड़ी बहुत थी वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आप सबको ये सारे वीडियो वो रेमेडीज जो है अगर अच्छा लगे और आप सब लोग अगर इसको ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आप सबके लिए न्यू अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफाइड। बाय।